कितने लोग हैं जिन्होंने 80s का दौर देखा 90s का, जब दूरदर्शन ओपन होता था, एक ही लोगो होता था, आपको ऐसे हिप्नोटाइज करता था ना वो, कि आदमी घर से आया रहता था हेमा मालिनी के गाने देखने, किसान भाइयों का कृषि दर्शन देख के जाता था वो। अच्छा, टीवी में जो कृषि दर्शन प्रोग्राम आता था वो आता था किसान भाइयों के लिए, और किसान भाइयों के पास टीवी था नहीं, और जिनके पास टीवी था वो खेती करते ही नहीं थे एक्चुअली, तो वो फिर क्या करते थे, कृषि दर्शन देख के फैमिली प्लानिंग करते थे। उसमें बताते थे ना, एक पौधे और दूसरे पौधे के बीच में 3 फीट का अंतर रखें, तो ये फिर अपने अपने पौधों के बीच में 3-3 साल का फर्क रखने लगे। श्वेता का मैं इतना फैन हूं, मतलब ये आदमी बर्थडे के हिसाब से हर साल थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है, ये हर बर्थडे पे छोटी हो जाती है। कसौटी जिंदगी में देखिए इसके बच्चे कितने कितने बड़े थे, अपनी बेटी के साथ चली जाती, लगता देवरानी जेठानी जा रही है। अभी परवरिश में बच्चे दोबारा स्कूल में आ गए हैं, इसी हिसाब से रिड्यूस होती रही। मुझे लगता है अगले साल लिटिल चैंप में ना आ जाइए। राम जी की कास्टिंग बड़ी सही हुई है सीरियल में, बड़े अच्छे लगते हैं। अभी मुझे लगता है थोड़ा सा एडिट करना चाहिए, बहुत बड़े अच्छे लगते हैं। पर मुझे लगता है कि सामने वाली जो लीड है ना वो थोड़ा गलत हो गया। ये नहीं मतलब साक्षी जो वेरी गुड एक्ट्रेस, पर अगर भारती को लेते तो ज्यादा अच्छा लगता, मुझे लगता है साइज के हिसाब से। पर राम भाई एक प्रॉब्लम थी, वो किसिंग वाला सीन जो पिछले दिनों आप रोमांटिक हो गए थे ना, वो नहीं कर पाते आप, क्योंकि होंठ मिलने से पहले पहले पेट मिल जाते। तो कई बार मुझे कास्टिंग थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आज अवार्ड फंक्शन में जितने भी लोग आए हैं, कुछ लोग अवार्ड लेने आते हैं, कुछ देने आते हैं, कई ना लेने आते ना देने, कोई लेना देना नहीं होता उनका, उनको फिर एंकर बना देते हैं। Oh my God! First row में the great artist कपिल शर्मा के दोस्त मनीष पॉल भी बैठे हुए हैं। ये मनीष या तो कोई फंक्शन होस्ट कर रहा होता है तो यहाँ घुस जाता है। आज इसको इतना जरूरी अपना मोबाइल का बिल पे करना था, लेकिन उसके बावजूद आया मेरा भाई प्रोमो कटवाने अपना। इनका काट लो भाई पहले। मनीष पॉल अकेला था क्या झलक में? तो मैं क्या करण जौहर के बाल ठीक करने जाता था वहां पे? ये बात गलत है, ये बहुत नाइंसाफी हुई कपिल। मतलब मनीष पॉल होस्ट था है? और तुम? हाँ, मैं तो माधुरी जी की ड्रेस प्रेस करवाने लेके जाता था, मतलब हद हो गई यार। चलिए कोई बात नहीं, पाप लगेगा अगर तूने ये ट्रॉफी मेरे से शेयर ना की। अगर तुम प्रॉम्प्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मैंने जिंदगी में नहीं कभी पढ़ा, पैदा होने से पहले मैं कहा प्रॉम्प्टर पढ़ता हूँ। यस मनीष, यू कैन अंडरस्टैंड माय फीलिंग ब्रदर। यहाँ पर बेस्ट एंकर खड़े हैं और हम एंकर का ही अवार्ड देने के लिए आए। वैसे छोटा मोटा एंकर मैं भी हूँ, मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे भी नॉमिनेट कर दिया जाए। छोटे मोटे क्या, चीटियों के लिए एंकरिंग करते हैं आप? छोटे मोटे एंकर क्या होते हैं? अभी तक तो उसी के लिए करता हूँ, लेकिन जिनको हम अवार्ड देने वाले हैं वो कोई छोटे मोटे कलाकार नहीं है, बहुत बड़े कलाकार है, उनका नाम है प्लीज मिस्टर अमित। कीजिए यार, सीरियसली सॉरी सर। एक चीज पूरी पहन के आनी चाहिए, या तो कोट के साथ पैंट या सलवार के साथ कुर्ता, ये मिक्स करके क्या है ये? एक्चुअली ये जोधपुरी स्टाइल है। जोधपुरी स्टाइल है जोधपुर, ये टीआरपी फुल सलवार है एक्चुअली। ये वो वहां पे रेत वेत बड़ी रहती है तो हवा आती रहे बीच में से, अच्छा लग रहा है। पर जहां से हवा आनी वो नीचे से तो टाइट किया हुआ है।